आम्हाला पूर्ण आदेश आलेले आहे सिलिंगचे. तुम्ही हे बघा, तुम्ही नगरपालिकेत या. आम्ही बोलू शकत ना. आतापर्यंत तुम्ही घरामध्ये बसलेले होते, आतापर्यंत घरात बसलेले होते. लैब मध्ये सापडलं ना. कोरोना की क्राइसिस चल रही है, उसको मद्देनजर देखते हुए रेमडेसिविर जो दवा है या इसका सप्लाई थोड़ा कम है, तो काफ़ी लोग इसकी ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं. तो ऐसी हमको एक गोपनीय माहिती मिली थी, तो उस माहिती पर एक्ट करते हुए SDPO भुसावल सोमनाथ वाचावरे सर, मैं खुद, हमारी टीम API गणेश धुमाल और पुलिस कॉन्स्टेबल ईश्वर भारीला और सचिन पोल, हम लोग ने एक ओम पैथोलॉजी लैब इस पर रेड की. आज 1 बजे के बाद पंच के सहित, हमारे FDA इंस्पेक्टर के सहित, तो इसमें हमको वहाँ पर 5 रेमडेसिविर की वायल मिली, जिसमें से 4 सही कंडीशन में थी और 1 टूटी हुई थी. और इसकी 3 वायल हेट्रो कंपनी की थी, 100 mg की OV4 एंड MRP उसमें 5400 एक वायल पे लिखा हुआ था. और एक पाउडर फॉर्म में था रेमडेक का, कैडिला हेल्थ केयर का इंजेक्शन 3400 का. और FDA के हिसाब से वेरीफाई करने के बाद वो फेक नहीं, वो सच्ची वायल थी रेमडेसिविर की. तो इसके बाद हमने हमारी कार्रवाई शुरू करी है और जो 2 आरोपी है इनके ऊपर केस रजिस्टर किया है. जो वहाँ पे लड़का जो काम कर रहा था और जो मालक था होम पैथोलॉजी लैब का, इस पर हमने केस रजिस्टर किया है IPC 420, 188, 34 ये सेक्शंस में, और एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट सेक्शन 7(1)(a)(2) इसके अंदर, और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट सेक्शन 27(b)(2) और सेक्शन 28 इसके अंदर. और इससे इनसे हमने पूछताछ भी करी है कि ये इनने कहाँ से प्रोक्योर किया, किससे किया. तो ऐसा हमारा तपास चल रहा है अभी. और ये आगे कोई बहुत बड़ी चेन है क्या, या इसमें कितने कहाँ कहाँ बिक रहा है, क्योंकि प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में इनने हमको बताया कि ये 30 से 35 ये बेच चुका है ऑलरेडी ऐसे ब्लैक मार्केटिंग करके रेमडेसिविर, क्योंकि एकदम ये लोगों की लाइफ की बात है और ये दवाई बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए जो जो कोरोना से जूझ रहे हैं. तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मामला है और इसकी हम पूरी जांच पड़ताल सही तरीके से कर रहे हैं. आरोपी के नाम गोपाल नारायण इंगड़े 18 वर्ष, रानार मानगुड़ी तालुका बोधगढ़, और ओम पैथोलॉजी लैब का जो मालिक थे वहाँ पे हमको मिली है ये, विशाल शरद झोपे 28 वर्ष, रानार बद्री प्लॉट रत्नानी हॉस्पिटल जबल. सर, झोपे जी को ये इंजेक्शन बेचने का अधिकार है? नहीं, जो हमने FDA से पूछताछ करी उस पर इनके पास लाइसेंस नहीं है, तो वही सेक्शन हमने प्रॉपर लगाए. सर, उसके बाद में वो लैब के अंदर जो लड़की बैठी थी, वो लड़की ने आप जाने के बाद में आपको विरोध किया, शासकीय कर्मचारी को धक्का मुक्की किया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वहाँ पे जो इनकी लैब है उनका ये विरोध था कि हमारी लैब सील न की जाए, क्योंकि उनका ये कहना था कि उनके नॉलेज के बिना ये काम ये टेक्नीशियन कर रहा था. बट वहाँ पे लैब सीलिंग का काम नगर पालिका का है, तो नगर पालिका ने अपने पावर के अंदर वो लैब सील करी है. अच्छा. और उस पर नगर पालिका अपनी कार्रवाई करेंगे. हमारा पुलिस का ये काम था FDA के साथ, अगर रेमडेसिविर का ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है तो उसको रोकना, ताकि जो लोग को जरूरत है सच में इसकी, उन तक ये दवाई पहुँच सके. झोपे जी ये खरीदते थे कितने में और बेचते थे कितने में? ये जो गोपाल नारायण इंगड़े है, इसने ऐसा बताया कि जिससे इसने खरीदी है 20,000 के आसपास खरीदी है, और मोस्ट प्रोबेबली ये इससे ऊपर के प्राइस में आगे कस्टमर को बेचता होगा. तो ये जो एक्चुअल कॉस्ट इसका अभी 5,400 MRP है और आधा कर दिया शायद सरकार ने, तो उसके बाद ये 20,000-25,000 में अगर बिक रही है तो काफ़ी गंभीरता वाली बात है. तो उसको हम पूरी चौकसी कर रहे हैं. आपकी टीम ने परचेस किया था वहाँ से क्या ये रेमडेसिविर? हमको एक गोपनीय कस्टमर, जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनने ऑलरेडी परचेस किया था और उनने हमको प्रॉपर बताया था कैसे क्या परचेज हुआ, उसके बाद हमारी ये रेड हुई. हमने कुछ परचेस नहीं किया, बट हमारी रेड के अंतर्गत ही हमको मालूम पड़ा. ये आरोपी कहाँ से अटक करे आपने?
ये होम पैथोलॉजी लैब्स दोनों वहाँ पे थे, दोनों वही थे क्या? जब हमने रेड किया तब वहाँ पे थे। सर ये रेमडेसिविर कहाँ छुपा रखा था? जब हम गए थे तो हमारे सामने ही भागते हुए अपने बाथरूम में चले गए थे, और हमने जब बाथरूम में गए तो एक शर्ट के नीचे ये 5 बॉटल्स थी। तो सर उनके घर में अभी ये लैब थी, तो पूरे घर की सर्चिंग हुई है क्या? हाँ, पूरे घर की सर्चिंग हमारे पंच सहित पंचों के साथ प्रॉपर की गई है। उनसे पूछताछ भी करी कि और है, तो उनने कहा कि नहीं है, और सर्चिंग में भी हमको ये 5 बॉटल ही मिले। घटनास्थल से कोई आरोपी फरार हुआ है? नहीं, घटनास्थल से कोई आरोपी फरार।